आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखेगा, एक इंसान क्रिएट करके देगा जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो तुम्हारे लिए वीडियो तुम्हारे लैंग्वेज में बोल के और बना के देगा। ऐसा दावा है कुछ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स का, हु आर सेइंग ये सब चीजें ना तुम्हें ग्रेट क्रिएटर्स बनाएंगे। तो मुझे कौन सा सीए बनना है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हटा के सिर्फ आर्टिफिशियल की बात हो रहा है और इंस्टाग्राम सामने ना आए वो कैसे? अब कैसे तो पता नहीं, बट इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म इज फॉर वीडियोज, शॉर्ट वीडियोस, प्रोफाइल ग्रोथ की भाषा में रील्स, जिसकी यूनिकनेस के ऊपर हम घंटों तक बैठ के टाइम को यूटिलाइज करते हैं। मैं भी रोज डेडिकेशन से अपने टाइम को यूटिलाइज करता हूँ। वैसे ही एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्टिव डे में मुझे ऐसे कुछ रील्स मिले जो क्रिएटर्स के लिए ना लाइफ हैक्स दिखा रहे थे। उसमें से एक वीडियो ये है। हामी रोबोट ने बनाया है, इस वीडियो को सोनू ने एआई की मदद से बनाया है। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, इसके लिए मैंने कोई भी शूट या फिर कोई भी मॉडल्स को हायर नहीं किया था, बल्कि इन्हें मैंने एआई के थ्रू जनरेट किया। ये सिंपली आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। ये एक ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग वेबसाइट है और ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये असली नहीं, यानी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन्हें एआई के थ्रू डेवलप किया गया है। और मजे की बात ये है कि इन कैरेक्टर्स को आप अपने वीडियोस में यूज करके अपने मनपसंद लैंग्वेजेस में कुछ भी बुलवा सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं। क्यों, कैसा लगा? सही, करे ट्राई। ट्राई मूवी फॉर फ्री, बिल्कुल। साइन इन करना मुश्किल तो नहीं है, बस गूगल आईडी मारो और वो सारा डेटा तुम्हारा, वो लॉग इन करवा देगा। अच्छा, ये सारे इनके टेम्पलेट्स हैं। ग्रेट। नोटिस कराना यहाँ पे क्रेडिट्स 1 मिनट बोल रहा है। तो चलो हम क्रिएट करते वीडियोस। अच्छा, ये सारे जो अवतार्स है ये रियल नहीं है। आवाज सुनने के लिए हेडफोन्स चाहिए। कोई देसी शक्ल नहीं मिल रहा मुझे। नो वरीज, ओनली देसी ही असली होती है, यहाँ पे सब फेक है। ये बंदा मुझे सही लग रहा है, इसका बॉडी भी मेरे से मिलता है। भाई ये शक्ल असली नहीं है। कोई नहीं, बाकी लोग कौन सा है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ, जो भी स्क्रिप्ट मैं डालूंगा ये बंदा, नकली बंदा, मेरे भाषा में, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी प्रोनाउंसिएशन में ये सेम चीज बोलेगा, लिप सिंक होगा। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे हम सुन सकते हैं ऑडियो को प्रोसेस करने के बाद। ऑब्वियसली 150 रुपया डैगर। इंडियन कर लेते हैं पहले, हिंदी। इस कैसे मैं ध्वनि है, हाँ इसे पसंद उम्मीद है। हाँ, हेलो, इस कैसे में ध्वनि है, आप इसे पसंद उम्मीद है। हेलो, इस कैसे में ध्वनि है, आप इसे पसंद उम्मीद है। चलो यही ले लेते हैं, क्योंकि तीन ही ऑप्शन है। अब ये प्रोसेस कर रहा है हिंदी में। प्रीवियसली हम जितने बार हो सके हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट जितना लंबा होगा उसके हिसाब से ये 3.6 सेकंड्स, कितना वीडियो का टाइम लंबा होगा वो ये बोल देगा। अब है दिक्कत, क्योंकि तुम एनिमेशन नहीं देख सकते इस बंदे, इस शक्ल का, क्योंकि उसे देखने के लिए तुम्हें यहाँ पे सबमिट करना है। जितने बार तुम सबमिट करोगे, चलो सबमिट करके देखते पहले। अब जब तक ये प्रोसेस हो रहा था उस टाइम में मैंने 102 रील्स और देख लिए। देखो उसका रिजल्ट तो जरूर देखेंगे, बट उस टाइम में ना ये जान लेते कैसे करते हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। बस आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। इस वेबसाइट का AI इतना कमाल का है कि आप जैसे जैसे लाइट को मूव करोगे वैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लिप ड्रॉप, रीलाइट, हाँ यही चाहिए, रीलाइट या फोटोज, बिल्कुल। ड्रैग एंड ड्रॉप, अच्छा ये आ गया तीनों लाइट। एक लाइट मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ये मेरा थंबनेल का लिया हुआ पिक्चर है, इसीलिए इसमें लाइट ऑलरेडी अच्छा है। रिसीव लाइट करने से बैकग्राउंड में भी लाइट आ रहा है इनका, जो क्रिएटेड लाइट है, और रिसीव लाइट को ऑफ करने से सिर्फ सब्जेक्ट पे आ रहा है। बहुत सही। ट्रांसपेरेंट नहीं, डिस्टेंस ज्यादा करने से लाइट ज्यादा हो रहा है। ये मुझे चाहिए ब्लू, और ये मुझे चाहिए रेड, ऑरेंज भी चलेगा। इसका रेडियस हम कम कर देते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है लाइट का, तो हम इसे ओवरहेड लाइट भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्चुअली AI जो कर रहा है फोटो के हिसाब से, जो शेप्स है ना उस पर लाइट ऑलरेडी किस साइड से है उस पर बेस करके ये एक अपना लाइट, एक अपना कलर दे रहा है लाइट को, डिस्टेंस का। और एक और लाइट करे से, अगर रिम लाइट की तरह यूज किया जा सकता है क्या? रिम लाइट का कलर होगा ब्लू ऑब्वियसली। अब इसे देखना कैसे है। फोटो मैंने अपलोड किया 4K के ऊपर और फोटो बन के आया है 1080p भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, फ्री है ना, इसके ऊपर पैसा देना है। अगर तुम्हारे आंखों के लिए ये रिजल्ट्स प्रो लग रहे हैं तो, बट ये नॉर्मल फोटो को थोड़ा फन, थोड़ा लाइट के टच देने के लिए उस तक ठीक है। तो फन रिजल्ट्स, फास्ट रिजल्ट्स के लिए ठीक। फास्ट से याद आया, इसका रिजल्ट ना अभी तक आने वाला है, तब तक एक और रील देख लेते हैं। सीक्रेट वेबसाइट्स पार्ट 6 स्क्रीन लगा रहा है। इन द वेबसाइट குள்ள போனீங்க அப்டினா உங்களால நம்ம ஃபேமஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க alternative to anything।
तो ये है ऑल्टरनेटिव टू, जिसपे हमें किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव क्या है? पीयर ट्यूब, न्यू पाइप, बिट। इसका यूआई तो मुझे फैमिली फ्रेंडली वेबसाइट्स की तरह नहीं लग रहा, बट जोक्स असाइड, अगर तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं है इंटरनेट के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कि कहाँ मिलता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो तुम यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। इसका समान सिमिलर एक और भी है, वेबसाइट ले गा दिया उनक डिजाइन दियल टेक्स्ट फॉन्ट्स पॉइंट नेट। तो बेसिकली इसका जो चीज है जो मैंने देखा है textfonts.net, ये रील तुम्हें बता रहा है, इसमें सारे के सारे ऑल प्रीमियम फॉन्ट्स तुम्हें फ्री में मिलेंगे। वेल, सारे के सारे तो नहीं मिलेंगे, बट सरप्राइजिंगली बहुत सारे प्रीमियम फॉन्ट्स तुम्हें एक्चुअली फ्री में मिल रहे हैं। पर्सनली यूज कर रहे हो तो ठीक है, भूल के भी कमर्शियल्स बेचने वाले कामों में यूज मत करना। लास्ट दो मैंने जो देखा ना, वो उतना क्रिएटर हैक टाइप के नहीं है, ये गिमिक टाइप का है। टाइम कितना हो रहा है? 31% यूटिलाइज हो रहा है टाइम। ये सब चीज ना तुम्हें रियल और स्ट्रॉन्ग क्रिएटर नहीं बनाएगा। स्ट्रॉन्ग अगर अपने प्रेजेंटेशन को बनाना है तो वंडरशेयर्स डेमो क्रिएटर विल हेल्प अ लॉट, जिसमें तुम्हें ना तो सिर्फ एक प्रीमियम प्रेजेंटेशन का हर एक टूल्स जैसे बैकग्राउंड्स, ट्रांजिशंस, ऑब्जेक्ट्स, फॉन्ट्स मिलेगा, बट ऑल्सो लाइव एवटार्स, जिनको फेस नहीं दिखाना है उनके लिए गेम रिकॉर्डिंग मोड फॉर गेमर्स, अपने स्क्रीन को प्रोफेशनल रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्टली एडिटर इसमें ही, जिसमें वॉइस चेंजिंग, गेमिंग इफेक्ट्स, SFX टूल्स सब है। और इसमें वीडियो एडिटिंग ना बिगिनर्स के लिए भी आसान है, जो करने के बाद तुम डायरेक्टली शेयर या डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो कहीं पे भी वंडरशेयर्स डेमो क्रिएटर से ही। वन मोर थिंग, वेपर वायर बोल के एक कॉन्टेस्ट चालू है, डेमो क्रिएटर इफेक्ट्स पैक को यूज करके इंस्टेंटली वेपर वेब एस्थेटिक वाला डिजाइन क्रिएट करके शेयर करो विद दिस टैग, और वंडरशेयर को टैग करो। $200 तक क्रिएटिव फंड और वंडरशेयर्स एम्बेसडर बनने का मौका है, नीचे लिंक है, जाओ। आ गया रिजल्ट इसका। 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। देखो, टाइम ऑब्वियसली एग्जैजरेटेड है फॉर द स्टोरी टेलिंग, फॉर द फन, बट टाइम लगता है। अगर 5-10 सेकंड का, 10 सेकंड की ऊपर ही वीडियो जा रहा है ना, तो बहुत टाइम लगती है प्रोसेसिंग होने में, विच इज ओके, टाइम तो है ही। बट जो प्रॉब्लम है, ये लोग तुम्हें 1 मिनट का फ्री क्रेडिट दे रहे हैं कोई भी ईमेल आईडी से साइन इन करने के बाद, जो रिन्यू आई थिंक नहीं होगा। और वो 1 मिनट जितना सेकंड का तुम वीडियो जनरेट करोगे, उतना सेकंड का, और वो भी वाटरमार्क दे के ही। इसको हटाने के लिए तुम्हें $30 पर मंथ तक पेमेंट करना है। पैसा देने के बाद भी कोई बहुत काम आने वाले ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे, जो तुम यहाँ पे कर रहे हो वो वाटरमार्क के बिना थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो बस। ये स्पेसिफिक चीज़ मैंने बहुत रील्स में देखे, किसी ने ये नहीं बोला कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना है, कितने मिनट तक कर सकते हो, सब बोला कि कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फैसिनेशन है फेक लोगों से अपने बात बुलवाने के लिए, तो बनाते रहो ईमेल आईडीज, 1 मिनट तक तो मिलेगा। बट एज ए क्रिएटर की वे में तुम किसी किसी जगह पे इसे एज ए गाइड के हिसाब से, कुछ क्रिएटिव गाइड के हिसाब से यूज कर। गाइड से ना एक बहुत सही रील याद आ, वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट फॉर फॉन्ट पेयरिंग, Font Joy. Now this one is really good. क्योंकि ये तुम्हें कोई resources provide नहीं कर रहा, तो ये दुनिया के हर एक font, कोई भी तुम्हें चाहिए उसे तुम उसके हिसाब से तुम टाइटल, सब टाइटल या बॉडी में तुम उस फॉन्ट को डाल सकते हो, या फिर इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो कि फॉन्ट के बीच का कंट्रास्ट कितना होगा, वेरी सिमिलर या हाई कंट्रास्ट। तुम्हें बहुत सारे फॉन्ट्स के नाम भी पता चलेंगे, जिस फॉन्ट को पसंद है उस फॉन्ट को लॉक करके तुम बाकी दोनों का भी जनरेट कर सकते हो। और हर बार जनरेट करते टाइम ना, ये कुछ पैसा नहीं लेगा, क्योंकि ये फ्री है, क्योंकि ये कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहा तुम्हें, ये बस दिखा रहा है कि कौन कौन सा फॉन्ट सेक्सी लगता है। लाइक व्हाट, वो ऑल फेमस फॉन्ट वाले वेबसाइट में ये मिल सकता है? वेल, टाइम तो यूटिलाइज हुआ ही है, भले ही उसका स्पेलिंग W से शुरू होता हो। देखो, कुछ चीजें इसमें से मजेदार है, कुछ चीजें है खतरनाक। ये जो इंस्टाग्राम क्रिएटर्स है, ये कुछ कारण के लिए हो सकता है तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। आई एम गेटिंग, ये भी क्रिएटर्स है, ये तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे अगर चेक कर रहे हो ना, उनको चेक करने के टाइम एक चीज याद में रखना बस, कि ये टूल्स है या शॉर्टकट। शॉर्टकट कभी तुम्हें अच्छा कुछ भी नहीं बनाएगा। टूल्स है, यस, शॉर्टकट, और आजकल के कुछ AI बेस्ड शॉर्टकट्स तो इतने लजीज हो रहे हैं ना कि लोग उसे धराधर यूज कर रहे हैं। बहुत सही, यूज करो, बट उसके आदत नहीं लगनी चाहिए। आदत लग गया ना, तो इस चीज को यूज करना ही भूल जाओगे, क्योंकि ये चीज यूज होता है बेस कामों को क्रिएट करने में, बेस चीज करने में, जो ये तुम्हारे लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नॉट रियल। पर 10-20 सालों में तो AI आ जाएगा, बिल्कुल AI आ जाएगा, बट AI का डेफिनेशन क्या है? जितना आर्टिफिशियल चीज़ बढ़ता रहेगा, इस चीज़ का रियल वैल्यू, रियल थॉट्स, रियल स्टोरीज, रियल कॉन्सेप्ट्स का वैल्यू
इसको पहले से ही गंदी आदतें मत लगाओ। टूल्स यस, बट ऑलवेज रिमेम्बर, क्रिएटर बनना है ना तो क्रिएट करो अपने आप से।